बहुत कमाल की आवाज है आपकी। पहली वीडियो कब वायरल? क्या कभी किसी से प्यार हुआ है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री। ये जो जर्नी थी आपकी, वो कितनी ज्यादा टफ थी? ये जर्नी टफ तो नहीं कह सकता, बट ऐसा समझो कि कुछ चीजों के बारे में हमको जानकारी नहीं थी। और ऐसा समझ सकते हो आप कि जब कोई भी लड़का या कोई भी इंसान एक ऐसी फील्ड को चूज करता है, उसके आसपास के कोई भी इंसान उस फील्ड में ना हो, तो वो जर्नी थोड़ी टफ तो होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता। आपने पहली बार फोन देखा, वीडियो देखी, फिर वीडियो बनाना सीखा, वो थोड़ा कठिन था, बट अपने को करना था तो करना है। अभी भी चलते जा रहे हैं। जहाँ इतने ज़्यादा कॉन्टेंट थे कि कुछ भी बनाया जा सकता है, वहाँ आपने द मैंगो हैप्पी जैसा मोटिवेशनल चैनल, द डॉक्यूमेंट्री जैसा चैनल ही क्यों बनाया? जबकि आपके पास और भी वैरायटी थी, कॉमेडी ट्राई कर सकते थे, वो तो और ज़्यादा वायरल होता था और ज़्यादा ऑडियंस को इंगेज रखता था, तो वो क्यों नहीं ट्राई किया? स्टार्टिंग में हमने कॉमेडी वीडियो बनाई थी, बट हुआ क्या था कि जो हमारे साथी क्रिएटर्स थे, तो उन्होंने कुछ वक्त बाद, एक आध वीडियो के बाद, जो हमारा साथ छोड़ दिया। एंड एक ऐसा वक्त आ गया कि मुझे लगा कि ये चैनल बंद करना पड़ सकता है। और उस टाइम पे जब शुरुआती वीडियोस बनाए थे, तो पूरे गांव के आसपास के सब लोग जो तो मेरे साथ थे, उनके छोटे छोटे सब बच्चे आते थे वीडियोस के लिए, बनवाने के लिए। लेकिन आफ्टर 2-3 वीडियोस उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को मना करने लगे कि भाई वहाँ मत जा, उसके साथ वो पागल हो चुका है, 12वीं पास कर लिया तो पागल हो चुका है, तो तुम लोगों को भी पागल बर्बाद कर देगा। तो बस बर्बादी की कहानी वो बोल रहे थे, अपन लोग आगे बढ़ते चले गए। अच्छा, और आज इतना सक्सेस हो गए? हो गया है, सक्सेस तो नहीं कह सकते, अभी सफर है, चल रहा है। ये वॉइस ओवर ही क्यों शुरू किया? वॉइस ओवर चूज करने के लिए पहली बात तो ये कि अब जब सब साथ छोड़ चुके थे अपना, तो अब हमारे पास कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसा फील्ड नहीं था कि हम जिसमें अकेले वीडियोस बना सके। तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि आप जो है तो कुछ ऐसा फील्ड चूज करो जिसमें तुम अकेले सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो मुझे कैमरा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ना मेरे पास ट्राईपॉड था, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि जब ट्राईपॉड वगैरह नहीं था, और किसको बताएं कि भाई कि वीडियो सही आ रही है, जैसे अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करना मेरे लिए आसान था। और दूसरी चीज़ ये थी कि लोगों को पता चल चुका था कि ये बंद कर चुका है, यूट्यूब चैनल इसका बंद हो चुका है, क्योंकि मैंने भी उसमें कुछ दिन के लिए वीडियोज़ बंद की बनाना, और मैंने वॉइस ओवर डालना चालू कर दिया, तो आवाज़ के थ्रू वो मुझको पहचान नहीं पाते थे, और मेरे पास जो रिसोर्सेज की कमी थी तो वो भी छिप जाती थी, इस वजह से तो वॉइस ओवर चूज किया हमने। आज पहली बार आप हमारे चैनल पर अपना फेस रिवील कर रहे हो इन यूट्यूब, तो अभी तक फेस रिवील क्यों नहीं किया? कई मर्तबा ऐसा हुआ कि छोटी छोटी क्लिप्स कहीं कहीं हमने ऐड कर दी थी वीडियोस में, हो सकता है कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। और एक आध पिक्स अपलोड हैं द डॉक्यूमेंट्री पर, द मैंगो हैप्पी पर, तो अभी तक कोई फेस नहीं रिवील हुआ है मेरा। फेस रिवील करने का जो सवाल है, तो उसके पीछे कोई बेसिक रीजन नहीं था, बस इतना समझ लो आप कि मेरे पास सेटअप नहीं था। मतलब ऐसे लगता था बड़े बड़े क्रिएटर्स को देख करके कि यार इनके पास इतना बड़ा कैमरा है, इतनी अच्छी फोटोज आ रही हैं, अब हम 144 पिक्सल पर जो है तो अपनी फोटोज अपलोड करेंगे, तो थोड़ा अपने को जो है तो नॉर्मल रखना था बस। तो यूट्यूब से ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुए? यूट्यूब से ज़िंदगी में परिवर्तन थोड़ी ऐसा समझ लो कि ज़्यादा फ्रीडम है अदर लोगों से। थोड़ा परिवर्तन की बात कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ये रहता है, क्रिएटिव फील्ड है, सोचने जो आपके माइंड में आया, जब मन किया तब आप काम कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है, कभी भी कहीं पर भी आप जा सकते हो और किसी भी वक्त आप काम कर सकते हो। वो नहीं पता कि 2:30 है, रात के 2:30 बज रहे हैं आपके दोपहर के, आप एक लैपटॉप लो और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ लैपटॉप और नेट होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको लिखना है, आपको वीडियो बनानी है तो बनानी है। सबसे अच्छी बात है कि आपको जो आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं, तो वो चीज़ें आप जो है तो मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो, लोगों के सामने रख सकते हो। और चेंजेस की बात की जाए तो लाइफ पहले पूर्वजों से मिला हुआ घर था, बब्बा ने बनवाया था, आज जो तो खुद के सेटअप पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे बड़ा चेंजेस क्या हो सकता है लाइफ में। इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अपने दम पर चीज़ें कर रहे हैं आप। तो शादी के प्रपोजल वगैरह आते हैं? बड़ा हॉट क्वेश्चन है। नहीं, लोगों को पता नहीं क्या।
मैं किसी को पसंद ही नहीं आ रहा। दुखद घटना। क्या कभी किसी से प्यार हुआ है? होता है यार, सब सबको सबको होता है। एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आपको कोई ना कोई पसंद आता है, लगता है कि यही सब कुछ है, तो होता है। तो प्यार की कहानी बताइए, अपनी प्यार की कहानी, कहाँ से शुरू हुई, कौन है? थे भी नहीं, कह भी नहीं सकते, उनका उनके साइड से कोई रिएक्शन ही नहीं आया। एक एक बार हाँ बोला, फिर कुछ दिनों बाद उनका ना आ गया और बात वहीं खत्म हो गई। द एंड। क्या उनको पता है कि आज आप इस मुकाम पर हैं? देखते हैं, स्टोरी जाके देख जाते हैं। तो अभी कोई जीएफ है या सिंगल हो? बस एक ही कहानी, माइक और मेरी लव स्टोरी चल रही है। तो कोई क्रश है आपकी जिसके अब कोई नहीं है। लिए कभी दुआ मांगी हो कि आस या खुदा मिल जाए वो हुसीन चेहरा? हाँ थे, अब करंट में कोई नहीं है, पता नहीं क्यों अब सब खत्म हो गए, तो दिमाग से उतर गया है। अब एक भ्रम था, मुझे ऐसा लगता है कि एक भ्रम था, फिर वो भ्रम जब टूटा तो पता चला कि यार अब कोई नहीं है। तो अपने व्यूअर को क्या सलाह देना चाहते हो कि क्या प्यार करना चाहिए, करना चाहिए ताकि पता चल सके कि क्यों नहीं क्यों नहीं करना चाहिए? करना ताकि पता चले कि क्यों नहीं करना चाहिए प्यार, तो चाहिए। एक बार जरूर प्यार करें। एक बार जरूर करो ताकि आपको पता चल सके कि क्यों नहीं करना चाहिए, और फीलिंग्स है शेयर करना चाहिए। इस पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूं, इतनी पावरफुल वॉइस के पीछे क्या राज है? योगा, प्राणायाम, आखिर राज क्या है इतनी पावरफुल वॉइस के पीछे? पावरफुल वॉइस, आप मेरी द मैंगो हैप्पी पर पहली वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाओगे कि यही सच है, या अभी भी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा नॉर्मल एसेंट रहेगा, क्योंकि मैं किरदार बिल्ड किया हूँ। जब मैंने दो चैनल बनाए थे तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, दो तीन चैनल्स थे मेरे, तो सबके लिए मैंने एक अलग अलग किरदार बिल्ड किए थे कि ताकि ऐसा हो कि जब मुझे कोई सुने ना, पहचान ना पाए। मैं नहीं चाहता था कि द मैंगो हैप्पी में आके कमेंट करके द डॉक्यूमेंट्री वाला है और द डॉक्यूमेंट्री वाले में आकर के बोले, तो मैंने एसेंट चेंज किए हैं। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट समझते हो आप, उस लेवल को मैंने मैंने ये सोचा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और ये मैंने लिखा था कहीं, मैं अपने रफ डायरीज वगैरह में लिखता हूँ जो कोई काम करता हूँ, तो मैंने कहा था एक किरदार बनाऊंगा, इसका ऐसा किरदार रहेगा, उसमें ऐसा किरदार रहेगा। तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप द डॉक्यूमेंट्री से मैच करोगे तो शायद मैच नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ कि अभी मेरा जो है ना बात करने का तरीका जो है तो वो थोड़ा नॉर्मल है। अब मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री। बहुत कमाल की आवाज है आपकी और बहुत ज्यादा पसंद आती है। थोड़ा सा मेहनत है, बहुत ज़्यादा उसमें अभ्यास भी करते हैं, नहीं रिकॉर्ड करना होता फिर भी बैठ करके दे माइक के सामने 1-2 घंटे बिता देते हैं। डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो, रिकॉर्ड करना है तो करना है, भले आप कुछ भी ना रिकॉर्ड करो, बैठ करके आप नॉर्मल बोलो, अपने आप से बातें करो, तो डेली 10-15 मिनट का ये सीन चलता है कि अपने को रिकॉर्ड करना है, बस ऐसा है। क्या बिना फेस दिखाए यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं क्या करंट टाइम पे, करंट टाइम पर? करंट टाइम पे तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर YouTube चैनल बनाने जा रहे हो तो अपने फेस के साथ जाओ। उस टाइम पे हम मोटिवेशनल फील्ड पर थे तो थोड़ा शर्म आती थी कि मतलब ये मोटिवेशन दे रहे हैं और खुद जो है तो 12th और ये 11th ये कंप्लीट करके आए हैं, इस वजह से हमने फेस नहीं दिखाया था और हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। बट आज के डेट में अच्छा फ़ोन आ चुके, अच्छे अच्छे फ़ोन आ चुके हैं, तो आपको फेस के साथ ही जाना चाहिए, आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है। तो कोई क्रेजी फैन मोमेंट था अभी तक? हाँ एक बार हुआ था और वही मोमेंट ही शायद जो है तो यहाँ तक ले करके आया है। क्या था, कुछ बताओगे? एक बार एक शख्स से मिले थे तो वो बोले कि आपके आवाज़ के दीवाने। उसको पता कैसे चला कि आप ही हो उस आवाज के पीछे? जानते थे, करीबी थे, तो उन्होंने बोला, फिर उनसे हमारी दोस्ती हुई और अब नहीं है दोस्त भी। अच्छा चलो ठीक है, समझ गया मैं। मोटिवेशन और उसके अलावा कोई फैन मोमेंट अभी तक है? वाले तो कई लोग ऐसे थे कि बॉडी में द मैंगो हैप्पी के टैटूज बनवा करके आ गए थे, वो बॉडी ऐसे, वो यहाँ पे द मैंगो हैप्पी इधर भी लिखवा। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है, बोला रनिंग आर्मी की तैयारी कर। मैंने कहा ये जो लिखवाया है ना इसमें 2 थप्पड़ मार के बाहर भगाएंगे। बोलता सर आपके लिए ये भी सह लेंगे। मैंने कहा क्यों जिंदगी बर्बाद करेगा, तुझे आर्मी में ही जाना, तो द मैंगो हैप्पी मिटवा दे, देश का नाम लिखवा ले और कुछ। हाँ YouTube ज्वाइन करने के बाद मेंटली, फिजिकली और आपके नॉलेज में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या चेंजेस आए हैं? YouTube ज्वाइन करने के बाद मैंने एक अलग ही दुनिया देखी है,
एक ऐसी दुनिया देखी है जो शायद मैं कभी ना देख पाता। मेरे बहुत सारे भ्रम टूटे हैं। शुरुआती दौर पर घर वालों का रिएक्शन और आज की डेट पर घर वालों का रिएक्शन क्या है? घर वाले मम्मी पापा तो कभी भी कुछ नहीं बोले हैं। उनको तो पता ही नहीं कि अभी भी मैं क्या करता हूँ और उस टाइम पे भी मैं क्या कर रहा था। अब कैसा है घर वालों का रिएक्शन? अब माता पिता को क्या पता है कि आप क्या करते हो? मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा या मेरे घर वाले जो मुझे करीब से जानते हैं वो मेरी वीडियोज और मुझे सुने ही ना ना उनसे आकर के कोई मेरे बारे में बात करे, क्योंकि मैं नहीं दिखाना चाहता कि मैं वहाँ पे कैसा दिखता हूँ और हूँ क्या। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए जो मैं बचपन में था वही बना रहना चाहता हूँ। भविष्य पर ये जो आपके दोनों चैनल हैं द मैंगो हैप्पी एंड द डॉक्यूमेंट्री, उस पर और क्या आने वाला है? नेक्स्ट विजन क्या है आपका? नेक्स्ट विजन अभी तो रिवील नहीं कर सकते हैं, बट समथिंग न्यू, समथिंग एडवांस, समथिंग बिग, समथिंग बिग। हम लोग और ट्राई कर रहे हैं कि कुछ और नई चीज़ें लेकर के आए। टीम बिल्ड कर रहे हैं अभी। पहले दो लोग हुए, पहले मैंने अकेले स्टार्ट किया था, फिर दो लोग हुए, लेकिन आज जो है तो चार पांच लोग साथ में ही चल रहे हैं। तो एक टीम बनकर तैयार हो गई है। हाँ, एक ऐसा संगठन बनाना मेरा उद्देश्य है। अगर भविष्य की आप मुझे पूछोगे 10 ऐसे लोगों की टीम या 11 ऐसे लोगों की टीम जो क्रिकेट की तरह खेले, एक वर्ल्ड चैंपियन, समझ लो वर्ल्ड चैंपियन टीम बनानी, बस इतना। ये नहीं कि सिर्फ कैप्टन का योगदान ज्यादा है, सबका योगदान बराबर रहे और अच्छी चीजें दर्शकों को पेश करनी है। हाँ, ये YouTube की वीडियो तो YouTube की वीडियो तक सीमित नहीं रहना। जब मार्केट में उतरे तो फिर कुछ लेकर के आओ। बस कभी सोचा है कि अगर यूट्यूबर ना होता तो क्या होता? इंजीनियर, डॉक्टर, सब्जी वाला, किराने वाला, क्या होता मैं? यही सवाल मेरे मन में भी कभी कभी आता है कि अगर यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो ना बनाता तो क्या होता। नहीं पता। पहली वीडियो कब वायरल हुई? पहली वीडियो मेरी जब मैंने यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे चैनल पे नहीं, एक मेरे फ्रेंड है युवा लेखक, उनके चैनल पर वायरल हुई थी। 5 लाख से वह व्यूज गए थे। उस वीडियो में मैंने इतनी रिसर्च की थी कि मैंने कहा था कि ये वीडियो निकलेगी सर, आप एक ऐसी स्टोरी, मैंने उनको पूरा सारी चीज़ें जो है तो सजेस्ट किया। और उसके बाद जब वो वीडियो निकली और वो भी उनके चैनल पर, 20,000 सब्सक्राइबर्स मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर। भाई, हम लोग तो साउथ के हीरो अपने आप को समझ रहे थे। फिर कुछ दिन तक उन्होंने कहा कि मैं कंटेंट को अब अव्वल दर्जे तक लेकर के जाऊंगा। वीडियोज ही उन्होंने नहीं अपलोड की और वीडियो वायरल थी। हाँ, वीडियो वायरल थी। उसके बाद उस वीडियो को लोगों ने कॉपी कर करके, कई सारे ऐसे बंदे जो आज 6-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर के बैठे, मोटिवेशनल फील्ड वाले हैं, नाम नहीं ले सकता क्योंकि अब करीबी फ्रेंड हुई है, तो वो जो है तो 6-6 मिलियन लेकर के बैठे हैं, लेकिन हम वहीं पर रुक गए। जिंदगी ने बहुत बार चांसेस दिए, बट कभी ना कभी कोई ना कोई कमी रह जाती थी। इस बार चाहते हैं कि एक बार थोड़ा बड़ा मौका दे दे, हम भी कम से कम 1-2 मिलियन तो पहुंच ही जाएं। पहली वीडियो आपके चैनल में आपके द्वारा कब वायरल हुई? मेरे द्वारा मेरे चैनल पे एक वीडियो वायरल हुई थी, 2.5 लाख तक गई थी। उसके पहले कितने जाते थे? उसके पहले 500-600 या 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 10 हज़ार तक व्यू भी बहुत कठिन था, एक कठिन टास्क था। फिर एक वायरल हो गई। हाँ, उसमें भी रिसर्च थी। हाँ ठीक है, मेहनत तो थी। तो वो कितनी गई व्यूज उस पर? वो 2,35,35 हज़ार तक। कितने सब्सक्राइबर गेन हुए उसमें? इतना हो गया कि चैनल मोनेटाइज हो गया था और मतलब वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। तो फिर अर्निंग क्या है? पहली अर्निंग कब आई? पहली अर्निंग वही जनवरी, जो जनवरी के बाद जो फरवरी होती है। कितनी आई थी? 7-8 हज़ार रुपए आई थी। और आज की क्या पेमेंट स्केल है आपकी? अब तो हो गया, मतलब अगर ठीक है नंबर अगर नहीं बताने हैं तो एक रफली दे दो कि अगर मुझे एक आईफोन खरीदना है मोबाइल के थ्रू, तो देखो ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता ना यूट्यूब का, कभी अप कभी डाउन रहता है। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा चैनल पे, तो फेवरेट क्रिकेटर गौतम गंभीर। क्यों, एक जमाने पर तो हिटमैन शर्मा थे। यही तो नहीं बोल रहा था। कमेंट आते भाई रितिका भाभी से फंडिंग मिल गई है क्या? तो अभी कौन सा फेवरेट क्रिकेटर चल रहा है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सभी हैं, अपने देश के हैं यार। क्या फेवरेट क्या वो नहीं, जो अच्छा खेलता है, जो अच्छा नहीं खेलता, अपने देश के लिए खेला वो अपना फेवरेट है। ओके, फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर तो देखो टाइम टाइम पे मैं कोई एक वो नहीं लेता, पर जब अगर कॉमेडी वीडियो की बात करते हो तो जैसे मैंने कहा स्वैगर शर्मा हो गया। फेवरेट इंस्टाग्रामर?
फेवरेट इंस्टाग्रामर जो है तो इंस्टाग्रामर इंस्टाग्रामर कोई नहीं है मुझे पता था भाई, कोई नहीं है, कोई नहीं है फेवरेट इंस्टाग्रामर, कोई नहीं है, कोई नहीं भाई, मैं तो पहचानता नहीं हूँ इंस्टाग्राम में कौन क्या करता है। हाँ मेरे मेरे एक फ्रेंड है ससांग बड़ी त्रिपाठी भाई बंदा 3 दिन में जो फैन फॉलोइंग बनाया है ना, कितनी हो गई, पूरा ढिकहा एकदम, मतलब अपने फील्ड का एक जगह है ढिकहा, पूरा ढिकहा मतलब इसका फैन है, आग लगा रखा है, कंटेंट की दुनिया में एकदम तबाही है, क्या बात कर रहा है, तबाही का दूसरा नाम ससांगमणि त्रिपाठी है, क्या एसेंट है, किसी दिन वो इतना मतलब रोल में घुस जाता है कि रोने लगता है किरदार में ही, अच्छा। किसी दिन इतना मतलब आग में रहता है कि लगता है जैसे मैं कभी कभी उसकी वीडियो शूट कर देता हूँ तो लगता है कि वो मतलब कैमरे में घुस कर मारेगा, कैमरे के उस पार खड़ा रहता है तो घुस करके उस पार आके मारेगा। अच्छा भाई इस लेवल की मतलब इंस्टाग्राम के लिए दीवानगी मैंने नहीं देखी, बंदा कुछ भी कर सकता है इंस्टा के लिए, पिछले 15-20 दिनों में ये चेंज आया उसकी लाइफ में, तो मतलब वो हमको लगता है आने वाले समय में तो वो छाने वाला है। अरे भाई मार्केट लीड कर रहा है ढेका से ठीक है, अभी तक कोई फनी चीज हुई है लाइफ में जो कि हंसा दे लोगों को आज? हाँ हुई है, एक बार हुआ क्या था कि मेरे बुआ के देवर थे और उनके ससुर, और बुआ के लड़के की शादी हुई थी, बुआ के लड़के के ससुराल गए हुए थे, तो वहाँ कोहड़ा कद्दू, कद्दू इतना बड़ा सा, मतलब वो जो ससुर थे बुआ के वो कद्दू के बहुत बड़े फैन थे लीजेंड्स लेवल के, पुराने जमाने के तो लीजेंड्स लेवल के फैन थे, तो सब जब सामान विदाई के रूप में दिया जाता है तो हुआ क्या कि वो कद्दू को देखते हैं, मतलब ऐसे हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि ना हो तो यहाँ कद्दू फरा है का कद्दू विदाई में न दे है, तो वो तुड़वा दिए। अब वो कद्दू कितने बड़े थे कि मतलब आप समझ लो कि एक बोरे में एक ही आ रहा था, मैंने भी पहली बार इतने बड़े बड़े कद्दू देखे थे, और वो दो कद्दू जो है तो रखवा दिए जिसमें हम लोग बैठ के गए थे वैन में उसी वाले में, तो अब जगह ही नहीं थी, सब लोग बैठ गए, अब वो कद्दू बस पड़े थे नीचे, तो बोलते हैं ना हो कोहड़वा का ना लाइए यह कहा, तो सब लोग बोले कहाँ रखी दद्दा, दद्दा नाम था उनका, तो बोले कि हम ही उतारे जा कोहड़वा ले जा, हम पैदल आ जा, मतलब वो बघेली एसेंट पर मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, तो तुम बोले कोहड़वा ले जा मैं पैदल आ जाऊँगा, तो उनके दो बालक थे तो बोले नहीं दद्दा हमारे रहते आप पैदल नहीं आओगे, कोहड़वा लदवाओ हमारे ऊपर, तो मैजिक में दोनों लोग दोनों बंदे बैठे थे, अब हम लोग अंदर बैठे थे, हुआ क्या कि वो राज श्री फाड़ने के चक्कर में वो जो है तो कोहड़वा को छोड़ दिए, कोहड़वा जो है तो गिर गया, गिर कहाँ गया 2 किलोमीटर पहले, और खुद तेज से गिरा फड़ाक से, और दद्दा को मतलब अपने पिताजी को काल से ज्यादा डरते थे, जब वो डर गया और जानते थे कि दद्दा को ये ना पता चले कि हम राजश्री भी खाते हैं, तो दद्दा जो है तो शांत थे, पूछे कुछ गिर गया कहा हो, कहे ना हाँ दद्दा कुछ नहीं गिराया है, हम पंच पाए पकड़े हैं। अब कुछ देर हुआ जब घर तक पहुंचे, मतलब घर से तो 4-5 किलोमीटर वहां से आगे बढ़ाए, कहा था ना राजश्री खा लिया ने, अब बता दी कि कोहड़वा चुकेगा, कहा था दद्दा कोहड़वा कहाँ गया वो ऐसे बोलते दद्दा कोहड़वा कहाँ गया, तो दद्दा कहें तू पंचे पकड़े ना रहे, कहें तो गिर गऊंगा, दद्दा छाती कूटना चालू कर दिए, कहें माँ डारी इतने प्यार से कोहड़ा दिन थे, मतलब ऐसे ये करते करते कि मैं अब घर ही नहीं जाऊंगा, कोहड़वा चाहिए तो चाहिए। अब बहन वाला बोला कि हम नहीं मोड़ेंगे, तो दद्दा कहीं हमें उतार दे फिर किसी कदर हम लोग बोले कि मोड़ लो ले करके आए, एक बंदा जो है तो उसको खींचते हुए मतलब लिए जा रहा था अपने घर साइड, दद्दा चिल्ला रे कोहड़वा दे जा कोहड़वा हमारा है, अब वो एकदम पर्दनी छोड़ करके मतलब जो वो होती ना तो वो पकड़ के दौड़ रहे हैं, तो बोलते हैं कोहड़वा हमारे हैं, अब वहाँ वो दोनों लपट पड़े, बोले हमारी हमें विदाई मिले, बोले मुझे यहाँ पड़े मिले हैं, फिर दद्दा को वो कोहड़ा मतलब जो है तो 70 रुपये देने में, 35 रुपये पर कोहड़ा के हिसाब से, बोला मैं वहाँ से यहाँ तक कढ़ेलते लाया हूँ, फिर कोहड़ा दिया, वो मेरी लाइफ का बहुत फनी मोमेंट था यार, मतलब मैं तो हंस के दंग था